हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विथ रॉय एकेडमी। डेली 10 सिनोनिम्स की सीरीज़ में आज आपका पार्ट 12 है। इससे पहले जो 11 पार्ट बनाए गए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डेली 10 सिनोनिम्स लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि आपको एकदम से बहुत सारी मीनिंग याद ना करनी पड़े, आप डेली 10-10 मीनिंग भी याद करेंगे और उसके ऑप्शंस के भी हिंदी अर्थ आपको बताए जाते हैं उतना आपके लिए सफिशियंट है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट सिनोनिम्स है रेटिसेंस, इसका हिंदी अर्थ होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी यानी कि जो कम बोलते हैं। अब इसके ऑप्शंस के हिंदी मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले है रिजर्व, रिजर्व जो बहुत कम बोलते हैं, अपने में ही रहते हैं। सेकंड है सिंसेरिटी, सिंसेरिटी मतलब कि जो काफ़ी सिंसेयर होते हैं, दूसरों की बात मानते हैं। फ्रैंकनेस, जो अपनी बातों को काफ़ी दृढ़ता से रखता है या फिर काफ़ी फ्रैंक होता है जो। फिर है जेनरोसिटी यानी कि उदारता। तो अगर हम यहाँ पर रेटिसेंस के हिंदी अर्थ अल्पभाषी को देखें और अपने पहले ऑप्शन रिजर्व को देखें, उसका भी हिंदी अर्थ यही होता है कि जो अपने में रिजर्व रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रिजर्व। नेक्स्ट सिनोनिम्स पर आते हैं। कंसील, इसका हिंदी अर्थ होता है छिपाना, छिपाना। अब इसके ऑप्शंस के हिंदी अर्थ देखते हैं। स्टील यानी होता है चुराना, हाइड यानी छिपाना, अवॉइड यानी किसी चीज़ को आप इग्नोर करते हैं या मना करते हैं, कीप यानी कि रखना। तो अगर हम कंसील के हिंदी अर्थ छिपाना को देखें तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है हाइड, हाइड का अर्थ भी होता है छिपाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का हिंदी अर्थ होता है सुधारना। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कनेक्ट, यानी कि आप जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं या फिर किसी चीज़ को जोड़ते हैं उसे बोलते हैं कनेक्ट। मेंड, मेंड मतलब होता है सुधार। थर्ड ऑप्शन है रिजॉल्व यानी कि संकल्प करना, और फोर्थ ऑप्शन है सॉल्व यानी कि समाधान। तो अगर हम रेक्टिफाई का हिंदी अर्थ सुधारना के सेंस में देखें तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है मेंट, इसका भी हिंदी अर्थ होता है सुधारना या सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मेंड। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पिंज, इसका हिंदी अर्थ होता है टकराना, टकराना। अब इसके ऑप्शंस की मीनिंग को देखते हैं। शोक, इसका हिंदी अर्थ होता है भिगोना। फिर सेकंड ऑप्शन है रिडिकुल, इसका हिंदी अर्थ होता है उपहास। आर्ग्यू, इसका हिंदी अर्थ होता है तर्क। स्ट्राइक, स्ट्राइक के दो अर्थ होते हैं, एक होता है हड़ताल और एक होता है टकराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्ट्राइक, इसका भी हिंदी अर्थ होगा टकराना। नेक्स्ट पर आते हैं टेंटेटिव, टेंटेटिव मतलब होता है संभावित। जैसे आप एग्ज़ाम का जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो जैसे कोई डेट आती है तो वो टेंटेटिव डेट होती है कि उस तारीख को आपकी परीक्षा हो सकती है, यानी कि संभावित है। अब इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनरिलायबल, इसका हिंदी अर्थ होता है अविश्वसनीय। सेकंड ऑप्शन है करंट यानी कि जो वर्तमान में चल रहा होता है। थर्ड ऑप्शन है प्रोविजनल, प्रोविजनल मतलब भी होता है संभावित। और फाइनल, फाइनल का हिंदी अर्थ होता है अंतिम। तो इसका टेंटेटिव का अगर हम संभावित के सेंस में देखें तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है प्रोविजनल वो राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रोविजनल का भी हिंदी अर्थ कहीं ना कहीं संभावित ही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, सिनोनिम्स पर आते हैं। ऑप्टूज, ऑप्टूज का हिंदी अर्थ होता है कुंठित, कुंठित। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। डिस्टेंट, डिस्टेंस का अर्थ होता है दूर। ब्लंट का हिंदी अर्थ होता है दो टूक। और थर्ड ऑप्शन है एक्सेसिव, एक्सेसिव का हिंदी अर्थ होता है अत्यधिक। और वेग फोर्थ है, इसका हिंदी अर्थ होता है अस्पष्ट। अगर हम यहाँ पर ऑप्टूज के हिंदी अर्थ कुंठित को देखें तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ब्लंट, इसका भी हिंदी अर्थ होता है कुंठित, जो
दो टूक बातों से कुंठित हो जाता है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स रेनीगेड। इसका हिंदी अर्थ होता है पाखंडी, जो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं, रिनेल, इसका हिंदी अर्थ होता है विद्रोही या फिर पाखंडी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक के स्थान पर आप किसी दूसरे की नियुक्ति करते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, कोई किसी को खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है। थर्ड ऑप्शन है इन्फॉर्मर, यानी कि जो सूचना देता है। फोर्थ ऑप्शन है रिफॉर्मर, यानी कि सुधारक। तो यहाँ पर रेनिगेट का जो आंसर है पाखंडी, उसके सेंस में हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रिबल, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का हिंदी अर्थ होता है याद करना, याद करना। फर्स्ट ऑप्शन है रिमेम्बर, इसका भी हिंदी अर्थ होता है याद करना। रिवाइव यानी कि पुनर्जीवित। थर्ड ऑप्शन है मेमोरीज यानी कि यादें। और फोर्थ ऑप्शन है रिकवर, यानी कि आप किसी बीमारी से रिकवर करते हैं अपने आप को, यानी कि ठीक होते हैं, या फिर रिकवरी का एक ऑप्शन हिंदी अर्थ होता है वसूली। तो यहाँ रिकलेक्ट याद करना के सेंस में फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसका भी हिंदी अर्थ होता है रिमेम्बर का, याद करना। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट का हिंदी अर्थ होता है किफ़ायती, यानी कि मितव्ययी। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं, वीकेंडनेस, इसका हिंदी अर्थ होता है दुष्टता या फिर पाप। सेकंड है हमारा माइजरलीनेस, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होता है कंजूसी। थर्ड ऑप्शन है इकोनॉमी, यानी कि किफ़ायती। फोर्थ ऑप्शन है एक्स्ट्रा वेगनेस, यानी कि फिजूल खर्ची। अब इसके हिंदी अर्थ को अगर हम देखें, थ्रिफ्ट के, किफ़ायती, मितव्ययी, तो हमारा यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इकोनॉमी, वो राइट आंसर होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं टीमिंग। टीमिंग का हिंदी अर्थ होता है भरा हुआ, भरा हुआ। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है इनक्रॉचिंग, इसका हिंदी अर्थ होता है अतिक्रमण। अबाउंडिंग विथ, इसका हिंदी अर्थ होता है साथ। सराउंडिंग यानी कि आसपास का, और वर्किंग टुगेदर यानी कि साथ काम करना। अगर हम टीमिंग के हिंदी अर्थ भरा हुआ को देखते हैं, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा अबाउंडिंग विथ, यानी कि साथ में, आप जब साथ में कोई कार्य करते हैं, आपकी टीम जो होती है वो बन जाती है, तो उसको बोलते हैं हम अबाउंडिंग विथ, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये हमारे आज के 10 सिनोनिम्स थे, और ये पार्ट 12 था। 11 पार्ट जो पिछले हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसके लिंक देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।